ये देखिए स्ट्रीट कितनी प्यारी लग रही है ये। दोनों प्यार करके देखती हूँ, है ना। हाँ, पहनो पहनो। कितनी शॉप्स पे चले गए हूँ अभी तक? 8-9 शॉप्स। गाइस एक घंटे से घुमा रही है लड़की, इसने अभी तक कुछ लिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, काफी दिनों बाद आपने मुझे इस कैमरे पे देखा होगा क्योंकि मैं बिजी चल रहा हूँ बहुत ज्यादा। मेरे घर के अंदर फंक्शन है, आप लोगों को भी पता है कि मेरी सिस्टर की शादी है, उसमें मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं सारा का सारा इधर सामान रखा हुआ है, सारा का सारा जो कि शॉपिंग पे सब लोग जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। हाथ मिलाओ जल्दी से, आज अमन का बर्थडे है। तो जितने भी लोग ये ब्लॉग देखेंगे सब लोग अमन को विश करें हैप्पी बर्थडे। ये तो देखिए, ये पीछे सारे के सारे गद्दे लगे हुए हैं इधर, क्योंकि पेंट हो रहा था तो सारा का सारा सामान इधर उधर हो रहा है। और ये देखिए ऋषि मैडम बैठी हुई हैं, और अभी आने वाला है आप लोगों के सामने अमन का गिफ्ट, जो कि गिफ्ट दिया है ऋषि ने। ये रहा अमन का गिफ्ट, ले लो। थैंक यू बोलो। हाँ जी भाई साहब, तो अब आपको कैसा लग रहा है घर? अच्छा लग रहा है, एकदम मॉडर्न लग रहा है। अच्छा अपना दांत दिखाओ जो तो टूटा है तुम्हारा। हमारे उमेर का दांत टूट गया, तो माशाल्लाह से अब तो लाइट लाइट लग रही है चेहरे पे। सब कुछ हमने इधर से उधर कर दिया। शादी से पहले ही इनके हाथ में एक बच्चा आ चुका है, वेरी टैलेंटेड गर्ल। वाह, शादी के अंदर जो दिन बचे हैं वो बहुत ही ज्यादा कम दिन बचे हैं। हम डेट रिवील करेंगे आप लोगों को कि किस दिन शादी है, बट इस वाले ब्लॉग में नहीं, दूसरे वाला ब्लॉग बनाएंगे उसमें डेट में हम आपको रिवील कर देंगे। प्लस अब इतना ज्यादा हम बिजी चल रहे हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। कभी रूशी जा रही है शॉपिंग करने, तो कभी उस्मा बाजी जा रही है, तो कभी इरम बाजी जा रही है, इरम बाजी आई थी चली गई, कभी नौरिन बाजी जा रही है जिनकी शादी, वो भी शॉपिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि वो खुद से ही चाहती है कि वो अच्छा अच्छा सामान खरीदें। इनकी हालत देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक इनकी हालत देखी कि काम कर करके सूख चुके हैं। ये देखिए इतनी प्यारी सी शक्ल है इनकी माशाल्लाह से। टेंशन वेंशन नहीं, खाना खाएंगे लेटेंगे आराम से, फिर कल की तैयारी करेंगे। कोई टेंशन वेंशन नहीं, सिर्फ टेंशन शादी की है। तो गाइस हमारे घर में है शादी, तो मैं आपको क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी है, न जाने कितनी खुशी है। बूढ़े बूढ़े हो रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, मेरे शर्म नहीं आ रही। हाँ बताओ, इतने बूढ़े हो गए, हाथों से किलो आ रहे हैं, अपने बीवियों के हाथों से खा रहे हैं। देख तो भाई, मुझे हाथ के खाने में मजा लग रहा है। सर्दियों में बीवी का हाथ का खा रहे हैं, बीवी के हाथ से खा रहे हैं, और हमारी किल खा रहे हैं, हमारी बात नहीं हो रही। देखो देखो देखो, सिंपैथी गेन करने के लिए भी कह रहा है कि तुम खाओ तुम खाओ। देखो 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 देखो, चलो बिग बॉस मुझे हट हो रहा है, हट हो रहा है बिग बॉस। आपने अभी देखा कि ऋषि मुझे खाना खिला रही थी, ये सिर्फ व्लॉग के लिए, इसके अंदर कोई भी असलियत नहीं है। मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता हूँ, असलियत में कोई मोहब्बत नहीं। तो अब हो रहा है दोपहर का टाइम, और मैं और शैल जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, क्योंकि ना मेरी शॉपिंग हुई है और ना ही शैल की हुई है, तो हम दोनों ही जा रहे हैं, देखते हैं कुछ अच्छा लगता है। तो हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑटो से। ऑटो से जाने का रीजन ये है कि हम इजिली मार्केट के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, और कार की जो पार्किंग है वो बहुत दूर की साइड है, तो मार्केट एरिया में हम कार लेकर नहीं जा सकते बहुत ट्रैफिक की वजह से। और उसी में ही सबसे ज्यादा हम बिजी चल रहे हैं शॉपिंग वगैरह, और हमारी शॉपिंग वगैरह कुछ भी अभी तक कुछ नहीं, हमने कोई कपड़े नहीं खरीदे। आज हम निकले हैं अपने कपड़े वगैरह लेने के लिए, मैं नहीं ये निकली है कपड़े लेने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं करोल बाग की मार्केट, तो देखते हैं कुछ अच्छा सा, और मिलता है तो जरूर लेके आते हैं, और नहीं मिलेगा तो फिर दूसरी मार्केट छानेंगे। फिलहाल जहाँ तक मेरा अंदाजा, करोल बाग की मार्केट काफी फेमस मार्केट है, बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर मिलना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इस व्लॉग को सबसे ज्यादा प्यार देना, क्योंकि काफी दिन बाद हम कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों की शिकायत रहती है व्लॉग नहीं डालते। हमारे साथ मसला है कि हम किसी ना किसी चीज में बिजी हो जाते हैं, तो इस वजह से हम व्लॉग नहीं डाल पाते हैं। बाकी ये कि कोशिश करते हैं कि हम डालें, क्योंकि हमने चैनल इतना ज्यादा ग्रो किया है आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से हमने ये चैनल इतना ज्यादा आगे तक लेके आए, तो हम क्यों ना इसको कंटिन्यू करें। बस हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे साथ मसले हो जाते हैं, या तो घर के अंदर कोई काम हो जाता है, या फिर घर के अंदर कोई नहीं होता तो ऋषि को काम करना पड़ता है, तो इन्हीं चीजों में हम बिजी हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे कि भाई शादी के आपको सारे ब्लॉग दें। और मेरी शॉपिंग इसलिए रह गई क्योंकि मैं जो ड्रेस बनवाने सोच रही थी वो ड्रेस कस्टमाइज होनी थी, और उन्होंने मेरी ड्रेस खराब कर दी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जो मैं ड्रेस बनवा रही थी। और
पूरी ड्रेस का मेरा खराब कर दिया। अब मुझे एंड मोमेंट पे जाना पड़ रहा है शॉपिंग पर इसी वजह से, क्योंकि मेरी जो ड्रेस कस्टमाइज होकर आई है वो बिल्कुल खराब हो गई। जैसी मुझे चाहिए थी वैसी उन्होंने बिल्कुल बना कर नहीं दी, जबकि उन्होंने बोला था मुझसे कि जैसा आप बोलोगे वैसे करके देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए मुझे अब एंड मोमेंट पे जाना पड़ रहा है और मेरी जो भी शॉपिंग है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। और ये वाला व्लॉग आपको मिल जाएगा कम से कम 20-25 दिन में एडिट होके। नहीं नहीं ये जल्दी मिल जाएगा। अब आज की शादी में बस 10 दिन बचे तो मुझे बिल्कुल भी इतने ज्यादा मैं अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा वैसे रहती हूँ कि मुझे अच्छे से दिखना है, जैसा मुझे चाहिए लुक वैसा ही होना चाहिए। तो वैसे कपड़े अगर मिल जाते हैं जैसा मुझे चाहिए तो जरूर आज ले लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम कहीं और जाकर लेंगे। 50,000 रुपए की ड्रेस बनाने के लिए कह रही है गाइस, समझो बात को। तो क्या हुआ, बाजी की शादी एक ही बार आ रही है, बार बार थोड़ी आ रही है। 50,000 में 50 जोड़ी कपड़े बनेंगे हमारे। 50 जोड़ी भी नहीं बनेंगे, 1,000 रुपए का लाओगे क्या? और क्या, एक 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 1,000 रुपीस में किसका सूट आता है? अमली आते हैं। 1,000 रुपीस की आपकी वो भी नहीं आएगी शर्ट, एक 400 रुपए की पैंट पहनूंगा, 350 रुपए की शर्ट पहनूंगा तब भी खूबसूरत लगूंगा, क्योंकि भैया जो गुलाब होते हैं ना कमल कीचड़ में भी खुल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जो गुलाब के फूल होते हैं ना वो हर जगह नजर आते हैं, तो देख रहे हो ना आप भी लाल 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 कितने खुश हो रहे। नहीं ये होता है कि कमल जो है वो कीचड़ में भी खिल जाते हैं, वो और कहावत होती है। तो अच्छे से ही पहनना चाहती हूँ और मुझे हाँ कलर में भी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मुझे या तो ब्लैक ड्रेस बनानी है या फिर व्हाइट, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग ही देखूंगी कि व्हाइट पहनूंगी या ब्लैक बनाऊंगी। तो अब देखते हैं जाकर क्या होता है। हम पहुंच गए हैं मार्केट में और अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम पहले ही उतर गए। अभी देखते हैं यहाँ पर अभी तो इंडियन ड्रेसेस नहीं है, ये वेस्टर्न टाइप है। आगे चलते हैं इंडियन की साइड। उधर नीश है गाइस, एक घंटे से घुमा रही है लड़की, इसने अभी तक कुछ लिया नहीं है, ये देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। अब हम इसकी सैंडल्स देख रहे हैं और यहाँ पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि क्या लेना है हमें क्या नहीं लेना है। ये देखिए पूरी शॉप के अंदर भागी फिर रही है, कम से कम 10 जोड़ी चप्पल पहन के देख ली मगर पसंद नहीं आई अभी। लड़कियों का भी बहुत क्याड़ा मसला होता है भाई, कुछ पसंद नहीं आता है। हाँ पहनो पहनो। अब एक सैंडल हमें पसंद आई है तो उसको देख रहे हैं पहनते, साइज भी मिल गया उसका, साइज मिल गया ना इसका, तो देखते हैं। सो इतनी सारी सैंडल्स देखने के बाद एक सैंडल मुझे पसंद आई है, वो मैंने ले ली है, और दूसरी जो मुझे पसंद आ रही है उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं है। मेरा साइज़ जो है बहुत मसला रहता है, साइज़ बहुत रेयरली मिलता है मेरा। और अभी यहाँ पे सब लोग ले रहे हैं शैल के साथ फ़ोटोज़, और मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी तो भैया ने बोला कि आप भी आ जाइए, और मैंने यहाँ से सैंडल्स ही लिए हैं बस और कुछ नहीं लिया। सैंडल लिए जो कि मुझे पसंद आई है, और अभी सूट देखते हैं, सूट कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं जो जैसा मुझे चाहिए। फिलहाल बहुत गर्मी लगने लगी है अभी मुझे। यहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी है, बट यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा दिख रही हैं, अभी इंडियन ड्रेसेस नहीं दिख रही हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। कितनी शॉप्स पे चले गए हूँ अभी तक, 8-9 शॉप्स। यहाँ पर करोल बाग आना, कृष्णा नगर में एक बार में ड्रेस मिल जाती। तो ऑलमोस्ट हमें बहुत देर हो चुकी है घूमते घूमते, हमें रात मिला कुछ भी नहीं है, और हमें जो हमें चाहिए था मुझे चाहिए था वो नहीं मिला है, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान और गुस्सा भी आ रहा है। वो ड्रेस ऐसे शोरूम में आके दिखानी थी और इनसे ही कस्टमाइज करानी थी, तो हमें पहले आना चाहिए था ना। तो गाइज हम बहुत देर से मार्केट घूम रहे हैं बट अभी तक कुछ मिला नहीं है। अब मार्केट के अंदर से हमने 2-3 चीजें तो ले ली हैं बट सूट नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, देख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, मार्केट क्लोज भी होने वाली है, देखिए मैं दिखाता हूँ। हम एक शॉप पे आए हैं, यहाँ पर इसने 2-3 सूट पहन के ट्राई तो किए हैं, एक पसंद भी आया वाइट कलर का, वो एक और दूसरा देखने के लिए गई है, वो मतलब ट्राई करने के लिए गई है। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा डिसाइड होता है या दोनों में से ही डिसाइड नहीं होते,
देखते हैं अभी, मैं तो थक चुका हूँ फाइनली, बहुत देर हो गई है, 8 घंटे हो गए घूमते घूमते मुझे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए कुछ भी आवाज़ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए इस रीज़न से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई है और वो मैंने ले ली है और उसको अभी अल्ट्रेशन के लिए दिया, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं। जब मैं पहनूंगी उसके बाद ही आपको पूरा लुक दिखाऊंगी और मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ कि फाइनली मुझे ड्रेस मिल गई। 8 घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद हमें ड्रेस मिल चुकी है और बहुत ही प्यारी ड्रेस है वो। और मैंने बस शोरूम पर ऊपर ही देखी कि ये डमी पर लगी हुई है, इसका मुझे दूसरा कलर चाहिए, बस वो मैंने लिया जल्दी से और फिर उसको फाइनल करा दिया। ऑर्डर आ चुका है, देखिए अभी भी हमारा कुछ कुछ बाकी रह गया। और इन्हें देखिए जनाब को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, छोले भटूरे तो मैं ही खाने वाली हूँ। पानी पूरी भी आ गया, इतना कर सकता हूं ना। अब आ गया है हमारा स्वीट स्वीट। और ये देखिए स्ट्रीट कितनी प्यारी लग रही है ये। और करोल बाग की मार्केट हो चुकी है बंद और मेरी ड्रेस हमने ले ली है, बस ये अच्छा हुआ। शैल मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया शॉपिंग पर, शैल आपको मेरे साथ शॉपिंग पर आकर कैसा लगा? बहुत बुरा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूं, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।